हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर टीसी जांगीड, प्रेप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बॉटनी पढ़ाता हूँ। बट अभी इस वक्त मैं जिस पर्पज से आपके पास में आया हूँ वो पर्पज थोड़ा डिफरेंट है। पीछे मेरे बैकग्राउंड पे आप एक पिक्चर देख ही रहे होंगे। सबका ड्रीम रहता है इस कॉलेज में जाने का, क्या है? एम्स न्यू दिल्ली। अब इस कॉलेज के अंदर जाना सब चाहेंगे, बिल्कुल सबका ड्रीम है। तो अब किसी का पूरा होता है, किसी का पूरा नहीं होता है। और जिनका पूरा होता है उनको बधाई, बट जिनका पूरा नहीं होता है फिर उनके लिए क्या, और मेडिकल कॉलेजेस भी तो हैं। जैसे कि एम्स छोड़ देते हैं, एम्स न्यू दिल्ली के बाद में जिसके अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट जाना चाहते हैं वो क्या कॉलेजेस हो सकते हैं? जैसे मैमसी हो गया, वीएमएमसी हो गया, यूसीएमएस हो गया, सवाई मानसिंह हो गया। राजस्थान वाले स्टूडेंट्स बड़े पसंद करते हैं यहां जाना। तो इस तरीके से बहुत सारे और मेडिकल कॉलेजेस भी हैं जिनमें स्टूडेंट्स जो है वो चाहते हैं कि प्रायोरिटी दें। एम्स के बाद में कौन से कॉलेजेस को प्रायोरिटी देंगे, क्या नहीं देंगे, रैंक क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम कहां जाने वाले हैं, ये सारी बातें जो है मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। अब चलो ठीक है, एग्जाम दे दिया आपने, एग्जाम देने के बाद में अब रैंक आ गई आपके पास। अब रैंक आ गई तो अब क्या करें? अच्छा सर, रैंक आ गई कहां, रिजल्ट तो आया नहीं है। तो फिर हमने रैंक एक्सपेक्ट करी है, तो वो कोई टेंटेटिव रैंक हमें कोई बता दे, कट ऑफ कोई बता दे, उसके अकॉर्डिंग हम हमारी रैंक को एक्सपेक्ट कर लें। और जब रैंक हमारी एक्सपेक्ट हो जाएगी तो हम पहले से ही काउंसलिंग में प्रिपेयर हो जाएं कि इस रैंक के अकॉर्डिंग मुझे क्या कॉलेज मिलेगा। यार अगर रैंक बहुत अच्छी है तो टॉप 20 मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं जिनके अंदर मैं जा सकता हूं, ऐसा कोई मुझे बता दे कि यार टॉप 20 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके अंदर आप एलिजिबल हो और उसमें से मुझे सेलेक्ट करना है, तो वो क्या क्राइटेरिया होगा मुझे सेलेक्ट करने का। उसके बाद जिनका स्कोर थोड़ा कम है, जिनको टॉप कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, उसके बाद पीछे जो पज्जे पे कॉलेजेस हैं वो कॉलेजेस हमें कोई बता दे कि यार तुम्हारी रैंक पे ये कॉलेजेस तुमको मिल रहे हैं और ये कॉलेजेस में से मुझे कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट्स जो है एग्जाम के बाद आना चालू हो जाते हैं, थोक के भाव आते हैं। पिछले 3 साल से मैं 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करके भेज चुका हूं और वो स्टूडेंट्स पहले जब उन्होंने रैंक ली, जब वो काउंसलिंग के लिए आए थे तो इतना कंफ्यूजन में थे कि मुझे मतलब वो जितना पढ़ते टाइम नहीं थे उससे ज्यादा तो कंफ्यूजन वो रैंक आने के बाद में, मतलब डिसीजन मेकिंग जो है वो इतना वीक। अब करें क्या? अरे वीक तो रहेगा ना, क्या करें? अब कैसे वीक रहेगा, क्या होता है कॉलेज? अब एक मेरा स्टूडेंट था, उसने क्या किया, अब वो स्टेट दूसरे में चला गया था एग्जाम देने के बाद में, फोन पे कनेक्टेड था बट एक्चुअली जो नीड उसको टाइम पे होनी चाहिए थी वो फुलफिल नहीं हुई। उसने वहां पे किसी को पैसे देके काउंसलिंग कराई एंड गलती ये हो गई कि जिसको ऑल इंडिया के अंदर उसको जो कॉलेज अच्छा मिलने वाला था उसने स्टेट के अंदर चॉइस भर के वो स्टेट का कॉलेज उसने ऑप्ट कर लिया जो अभी अभी बना था। मतलब अच्छे कॉलेज को मिस कर दिया उसने। अब ये रिग्रेट उसको हमेशा रहेगा जब पूरी डिग्री होगी तब तक। अब मैं नहीं चाहता कि इस तरीके की गलतियां आप लोगों से हो। सारे बच्चे तो मेरे से कनेक्ट हो नहीं सकते, जो कनेक्ट है मेरे से वो मेरे से बिल्कुल काउंसलिंग करवाते हैं और बिल्कुल अच्छे से उनकी सीट्स उनको दे दिया जाता है। अब मैं ये सारे डाउट्स जो हैं वो उनको क्लियर करने के लिए आपके पास में क्या लेके आया हूँ, कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा, आपके प्रॉब्लम्स जो है वो मैं सुनूंगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। अब जैसा कि इसका भुक्तभोगी मैं भी हूं, क्योंकि जब रैंक आ गई थी 3029 ऑल इंडिया पीएमटी 2010 में मेरी, तो जब 3015 पे एमबीबीएस लास्ट सीट गवर्नमेंट क्लोजर हो गया था तो सारे ऑल इंडिया के डेंटल कॉलेजेस मेरे सामने थे, बट मेरा क्राइटेरिया कुछ अलग था। नॉलेज ही नहीं था कौन से कॉलेज अच्छे हैं कौन से नहीं है, कभी इस पे होमवर्क ही नहीं किया, तो फिर गलती होना तो बिल्कुल बनता ही है। तो ऑल इंडिया टॉप रैंकिंग में डेंटल कॉलेजेस के अंदर मैंने 7th रैंक पे जो एसएमएस का अटैच्ड गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज था उसको ले लिया। हालांकि कॉलेज बुरा नहीं है बट कंपेरेटिवली अच्छा नहीं है ना। आपको एमएमसी मिल रहा है डेंटल में, आप वो नहीं ले रहे हो, आप 7th नंबर का कॉलेज ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका क्राइटेरिया क्या है? मजे करेंगे यहीं पे जयपुर में, यहीं रहेंगे, यहीं के तो हैं अपन। बट जब फाइनल ईयर आते आते पता लगा कि यार कुछ चीजें ऐसी होती है जो कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, और वो चीज मुझे अगर पहले पता होती तो शायद मैं ये कॉलेज नहीं लेता, कोई दूसरा कॉलेज लेता, एमएमसी लेता, जीडीसी मुंबई लेता, अलग अलग कॉलेजेस में जाता ना।
कई जगह आपको ऐसा फेस करने को मिलेगा, तो इसलिए ये बाद में आपको रिग्रेट ना हो, इसीलिए मैं आपके सामने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लेकर के आया हूं, जिससे कि आप काउंसलिंग में मिस्टेक नहीं करो और मैं काउंसलिंग में आपसे मिस्टेक होने नहीं दूंगा। तो क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे पहला, सबसे पहला आज एग्जाम होने के बाद में सबसे पहली बात क्या है कि देखिए, जैसे यहां पे मैंने कुछ चीजें डिस्प्ले की है जो जनरल क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स के, क्या है सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम देने के बाद, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा सर इस साल का, और मेरी मार्क्स जो है वो उसके ऊपर मेरी रैंक क्या रहेगी, वो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है ना? चलो ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करूंगा, उसके बाद में दूसरा जनरल क्वेश्चन होता है जब टॉप रैंक जो स्टूडेंट्स की आती है उनका क्वेश्चन दिमाग में घूमता रहता है कि मुझे कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। ओके, देन मेडिकल कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू रैंक, जब मेरी रैंक आ गई है तो मुझे कौन से मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते हैं ऑल इंडिया से, मेरे स्टेट से, उसका आंसर्स भी आपको दूंगा यहाँ पे। ये भी एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का। जब ये क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चंस आना लाजमी है, और जब आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे ना, तभी तो आप काउंसलिंग से रिलेटेड बातों के लिए सीरियस रहोगे, तभी तो आप काउंसलिंग करा पाओगे ना अच्छे तरीके से अपने आप की। देन नेक्स्ट दिमाग में, जैसे ही रैंक कॉलेज आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पॉपअप होता है दिमाग में क्या, कि गुड एंड एवरेज मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं, मुझे कॉलेज सेलेक्ट करना है, ये कॉलेज मेरे पास में है तो मैं कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करूं, मुझे पता तो हो कि कौन सा अच्छा कॉलेज है और कौन सा एवरेज कॉलेज है और कौन सा बुरा कॉलेज है, उसके क्या क्राइटेरिया है, सिटी कैसा है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पे पढ़ाई कैसी होती है और वहां मजे भी कैसे होते हैं, ये सारी बातें जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग रहेंगी आपको। तो आपका ये क्वेश्चंस जो है वो भी यहाँ पे दूर करूंगा मैं। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है, जो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं जो 2 साल से 3 साल से ड्रॉप कर रहे हैं, अब उनका कट ऑफ से बाहर रैंक आ रहा है, उनको MBBS की सीट नहीं मिल रही है गवर्नमेंट की, ना तो स्टेट में मिल रही है उनको और ना ही ऑल इंडिया से मिल रही है, तो उनके लिए मेरा आंसर रहेगा, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि जनरली वो बच्चे जो स्टूडेंट्स जो डाउट लेकर के आते हैं कि सर हम MBBS करें या नहीं करें, अच्छा MBBS सीट नहीं मिल रही है तो सर हम डेंटल ले लें क्या, अच्छा सर डेंटल भी नहीं मिल रहा है, आयुर्वेदा कर लें क्या, होम्योपैथी कर लें क्या, तो इन सारे मतलब बंच ऑफ क्वेश्चंस जो दिमाग में आ रहे हैं उनको डिसीजंस जो है वो नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको भी मैं सेटिस्फाई करूंगा और वो डिसीजन मेकिंग जो है उनकी स्ट्रांग करूंगा। ठीक है, अगेन एक और क्वेश्चन जो चलता है दिमाग में, MBBS ही करना है, कुछ भी हो जाए करेंगे तो MBBS ही, भले प्राइवेट से करना पड़े, तो फिर इनके लिए भी आंसर्स है मेरे पास में कि अगर तुम्हें करना ही है MBBS प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से करना है, तो ऑल इंडिया के अंदर जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें बेस्ट कॉलेज कौन सा है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, सिटी कैसा है, जाऊं या नहीं जाऊं, इस तरीके से। और अगर इंडिया से बाहर जाना है तो कौन सी कंट्री अच्छी है, कौन सी कंट्री के अंदर जो है वो सिक्योरिटी ज्यादा है, अच्छा वापस आएंगे तो क्या होगा, MCI एग्जाम्स क्या होते हैं, इन सारी बातों को मैं जो है आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको यहां पे दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे एक सीरीज वाइज क्वेश्चंस होते हैं, हर स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहे होंगे, मुझे लगता है कि आपके दिमाग में भी होंगे अभी कि यार सर इसका आंसर्स मिल जाए तो थोड़ा हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को सेटिस्फाई करने के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आज आपके सामने डिस्कस करता हूं वो है इस साल का कट ऑफ क्या रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस साल का कट ऑफ जो है वो लास्ट ईयर के डेटा से कंपेयर करते हैं, तो लास्ट ईयर में भी मैं ओनली 2019 को लेकर के कंपेयर करना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि जो जिस तरीके का पैटर्न था इस पेपर का 2020 का, वो 2019 से मैच हो रहा था, मैनर ऑफ आस्किंग ऑफ क्वेश्चंस, चाहे वो फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में हो चाहे बायोलॉजी के अंदर हो, वो 2019 को फॉलो किए गए थे। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा चेंज कर दिया था, इस साल का पेपर थोड़ा सिंपल था। तो ये क्या फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं वो आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, जिससे कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकल के आ जाएगा बाहर, जिससे आप अपने आप को रैंक के अकॉर्डिंग अपने आप को एक प्लेटफॉर्म दे पाओगे कि हाँ सर हमारा रैंक इतना आ सकता है। ओके, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूं मैं आपको इस साल का क्या रहेगा। लास्ट ईयर का आपको पता ही होगा वैसे डेटा, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 12,618 जिसकी रैंक थी, जिसका स्कोर 582 था, उसने लास्ट ऑल इंडिया कोटा से लास्ट गवर्नमेंट सीट जो है MBBS की वो ऑप्ट करी थी।
ओबीसी कैटेगरी में वही लास्ट सीट 12189 मींस 12179 जिसका रैंक था, जिसका स्कोर था 583, उस स्टूडेंट ने लास्ट गवर्नमेंट सीट ऑप्ट करी। वहीं एससी कैटेगरी के अंदर 73803 जिसकी रैंक थी, जिसका स्कोर था 463, उस स्टूडेंट ने, उस दोस्त ने वो रैंक पे लास्ट ऑल इंडिया का गवर्नमेंट सीट एमबीबीएस का लिया था। वहीं एसटी के अंदर देखा जाए तो 87649 रैंक, स्कोर 445, उसने लास्ट सीट ऑप्ट करी थी ऑल इंडिया की। तो चलो ये तो लास्ट ईयर का डेटा है, लेकिन इस साल जो है वो कट ऑफ बढ़ी हुई आएगी। और क्यों बढ़ेगी, मैं कह रहा हूं बढ़ी हुई आएगी, लेकिन क्यों बढ़ेगी वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या फैक्टर्स होते हैं कट ऑफ को डिसाइड करते हैं, वो फैक्टर्स देखिए। डिटरमाइनिंग फैक्टर्स, पहली बात तो ऑल इंडिया की सीट्स जो है वो किस तरीके से 15% कोटा अप्लाई करने पे मिलती है, वो अपन नीचे की तरफ में देखेंगे। सबसे पहले डिटरमाइनिंग फैक्टर्स देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर नीट, सीट अवेलेबिलिटी, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, स्कोर ऑब्टेन इन द नीट एंड द रिजर्वेशन कैटेगरी। वेरी फर्स्ट, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर नीट, इस साल कैंडिडेट जो है वो बड़े हैं। लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल 200,000 स्टूडेंट्स ने ज्यादा एग्जाम दिया है, कट ऑफ को बढ़ाते हैं। सीट अवेलेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू एमसीए लेटेस्ट डेटा, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल सीट थोड़ी बड़ी है, थोड़ी। अब ये थोड़ी बड़ी है तो कट ऑफ को ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रही है। तो फिर सीट अवेलेबिलिटी का डेटा क्या है सर, लेटेस्ट एमसीए डेटा क्या है, ये रहा मेरे पास में। टोटल ऑल इंडिया में 272 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसकी सीट कुछ भी होगी, एक्स टोटल मिला लो सारे स्टेट्स की, उसका 15% अप्लाई कर दोगे तो आपके पास होगा 4129, मींस 4129 सीट्स आपके पास में ऑल इंडिया 15% यहां जा सकते हैं। इसके अलावा एम्स, इस साल एम्स भी इन्वॉल्व हुआ है इस एग्जाम के अंदर, तो फिर एम्स की सीट्स 1207 अमंग 16 कॉलेजेस, 16 एम्स में 1207 एम्स की सीट्स हैं, वहां आप जा सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर भी आप जा सकते हैं, और वो बीएचयू एंड एएमयू में 234 एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेजेस के अंदर 490, यानी कि टोटल 724 सीट्स ये भी हैं जिसके ऊपर आप ऑल इंडिया से जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास में जो ऑल इंडिया का एक बंच ऑफ सीट मिला है उसमें आप लास्ट सीट ऑप्ट करोगे, ऐसे कट ऑफ निकलता है। तो सीट अवेलेबिलिटी का ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये चीज ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुई है। डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर इसने सारा कट ऑफ जो है इस साल गणित बिगाड़ दिया। कैसे, सारा कट ऑफ डिपेंड करता है पेपर पे, और डिफिकल्टी लेवल ने इस कट ऑफ को बढ़ाया क्योंकि इस साल का पेपर बड़ा सिंपल रहा। अब सिंपल पेपर रहा तो जिसके स्कोर 600 के आसपास था वो यार मतलब परेशान सा हो जाता है, उसको नींद नहीं आती, बेचैनी सी रहती है उसके दिमाग में कि यार पेपर सिंपल है क्या करूं। तो ये कट ऑफ को बढ़ाया है, इसने कट ऑफ को इस तरीके से बढ़ाया कि एटलीस्ट 7 से 8 मार्क्स जो है वो इस फैक्टर ने बढ़ा दिए। नेक्स्ट, स्कोर ऑब्टेन इन नीट। अब नीट के अंदर स्कोर ऑब्टेन, ये क्या फैक्टर होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जो टॉप स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो कि 700 से 720 मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स की रेंज के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसके अंदर आते हैं। जब लास्ट ईयर के डेटा को इस साल के डेटा के साथ में मैच करा तो देखा गया कि इस साल इन 20 मार्क्स में ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। अब जब ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो ये कट ऑफ को बढ़ाने की तरफ इंडिकेट करते हैं, तो इन्होंने भी इस फैक्टर ने भी कट ऑफ को बढ़ाया है। रिजर्वेशन कैटेगरी, ये अपने रिजर्वेशन कैटेगरीज, अपनी अपनी कैटेगरीज के अंदर अपने अपने एल्गोरिदम्स होते हैं, इसका ज्यादा इफेक्ट ओवरऑल कट ऑफ पे नहीं होता, कैटेगरीज पे होता है। तो बेसिकली जो ये चार फैक्टर्स हैं उसने कट ऑफ को बढ़ाया है। अब कितना बढ़ाया है डेटा आपके सामने होना चाहिए, वो भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। देखिए लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 582 जो है उसका लास्ट स्कोर था, तो इस साल रेंज दे रहा हूं मैं आपको, और वो है 593 to 595, इसी के बीच में कट ऑफ रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, लास्ट सीट इन्हीं के बीच में जाएगी, क्योंकि आपको पता है 12,000 रेंज जो है वो इसके आसपास थी, कट ऑफ बढ़ाया तो मैंने ये 10 मार्क्स इंक्रीज कर दिए हैं। इसी तरीके से ओबीसी की बात करें तो यहां पर इसको मैं सेम रेंज में रखूंगा क्योंकि 1 मार्क्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ओनली 1 मार्क, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा या सेम भी हो सकता है, तो ये दोनों की रेंज सिमिलर रहेगी।
अब बात है एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में लास्ट ईयर 463 था, तो इस साल रेंज दे रहा हूं मैं आपको, कट ऑफ रेंज दैट इज 475 टू 480। वहीं एसटी कैटेगरी की अगर बात करो तो लास्ट ईयर 445 था और इस साल जो होगा वो 455 to 460। तो ये आप दिमाग में रखिएगा अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और कट ऑफ जो है इसी के आसपास रहने वाली है। और इसके बाद में आपको मैं एक चीज और बताऊंगा कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी रैंक क्या रहने वाली है, क्योंकि ये पता रहेगा तभी तो आप देख पाओगे कि आपके रैंक के आसपास आपके कॉलेजेस कौन से अवेलेबल है। तो इस वीडियो में मैं आपको इतने ही डाउट्स क्लियर करता हूं, अगले वीडियो के अंदर कॉलेजेस, रैंकिंग, कॉलेजेस क्या अवेलेबल हैं क्या नहीं है, इन सभी बातों को लेकर के आपके सामने आऊंगा। थैंक यू।